इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना जितनी बेटा, अब तो बहुत कम टाइम रह गया तुम्हारे पास में, प्रैक्टिस करो हर चीज की, बार बार रिपीट करो। तो ये मुझे पढ़ाना, ये तो समझ गए अपन धमनी सिरा का काम, ये आपको समझाना है। कल समझा देते वैसे मैंने, ये वापस इसको इसके अकॉर्डिंग समझा देता हूं जो लिखा हुआ इसके अकॉर्डिंग। देखो सिंपल सा गेम है, स्टार्ट कर दे मैं। हाँ सभी ध्यान दे बेटा इधर देखो। तो मैं बेटा आपका जो हार्ट है ना बेटा, वो देखो यहां पर बना रखा है, इस प्रकार से बना रखा समझाने के लिए। अपन ने हार्ट की तरह बनाया हार्ट, इन्होंने डायग्राम की तरह बनाया। तो आपको ये वाला पसंद है? हाँ बहुत अच्छी बात है। आपको ये वाला पसंद है कि कल अपन ने बनाया था वो पसंद है? कल वाला बनाना, वेरी गुड। कल वाला जो मैंने बनाया ना, इसकी जगह ये जो आज डायग्राम तुम्हारे सामने है, ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, इसकी जगह आप कौन सा बनाओगे? कल मैंने जो बनाया वो, ठीक है ना? कौन सा वाला? वही वो वाला। और ये समझाने के लिए वो, बाकी हार्ट की जगह तो हार्ट का चित्र आएगा ही आएगा, हार्ट की जगह तो हार्ट का चित्र बनाना ही आपको, लेकिन समझाने के लिए कौन सा बनाना है? कल मैंने बताया जो बनाना है वो। समझ में आया कि नहीं आया तुम्हारे? आ गया ना? एक बार और समझा देता हूं मैं आपको। देखो वही आपको मैं अपने दिल वाली सेप बनाई थी, लो इसी को अपन दिल वाली सेप बना लेते। ये लो, बन गई क्या? ये देखो दाया लिन लिखा हुआ है, दाया नीले लिखा हुआ है, बाया लिन लिखा हुआ है, बाया नीले लिखा हुआ है, ठीक है ना? अब देखो ये ऊपर फुसफुस जा रहे हैं, बाया नीले से निकल के कहां जा रहा है? फुसफुस में। कहां जा रहा है बेटा? अब फुसफुस के फुसफुस लिखा हुआ है, लो अपन डिजाइन भी बना देते हैं यहां पे। क्या बना देते अपन? डिजाइन बना देते फुसफुस की। बन गए फुसफुस की डिजाइन बन गई, और नीचे अपने वापस फुसफुस से ऑक्सीजन लेके आ जाएगा, वापस निकल के किसमें चला जाएगा? ये आपके शरीर में। कहां चला जाएगा? शरीर में, मानव शरीर में। मानव का शरीर कैसा? तितली जैसा, ठीक है? बन गया क्या मानव शरीर? ऐसे घूम जाता है। अब बताऊं, देखो कल जैसे बनाया वैसे इसको समझना है। सबसे पहला बेटा आपका ब्लड कहां था? देखो ये परमुख, ये लिखा है परमुख सिरा, महासिरा और वी ऑक्सी जो रुधिर है बेटा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर है, वो घुसता है बेटा आपके किसमें? दाया लिंद में। किसमें एंटर होता है बेटा? ये दाया लिंद में, ठीक है ना? सबसे पहले कहां एंटर करेगा? दाया लिंद। दाया लिंद से कहां चला जाएगा? दाया नीले। और दाया नीले से कहां चला गया? देखो फुसफुस में। कहां चला गया? फुसफुस में। और फुसफुस से देखो क्लीन होके कहां आया? बाया लिंद में। कहां आया बेटा? फुसफुस में जाके। क्या घुसफुस थोड़ी कर रहा है वो फुसफुस में गया, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया और क्या लेके आ गया? ऑक्सीजन लेके आया। आया कहां पर? बाया लिंद में। बाया लिंद से बाया नीले से रवाना हो गया महाधमनी से। देखो महाधमनी से होता हुआ कहां जा रहा है? आपके शरीर में घूम रहा है और सबको क्या दे रहा है? ऑक्सीजन। अब वापस वहां से क्या कलेक्ट लेके आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ गया। सबसे वापस कहां आया? दाया लिंद में। दाया लिंद से दाया नीले से फुसफुस से फुसफुस में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, ऑक्सीजन ले ली। वापस कहां आ गया? कहां आ गया? प्रकाश, ओम प्रकाश। बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से बाएं आलिंद से बाएं नीले से शरीर में चला गया वापस। क्या देने? ऑक्सीजन देने और कार्बन डाइऑक्साइड लेने। दे दी। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, वापस आ गया किसके माध्यम से? महासिरा के माध्यम से। वापस कहां आ गया? दाएं आलिंद से दाएं नीले में। दाएं नीले से फुसफुस में। क्या लेने? सर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने, ऑक्सीजन लेने। ले लिया, दे दिया, वापस आ गया किधर? बाया लिंद में। बाया लिंद से बाया नीले से महाधमनी से होता हुआ शरीर में। तो ऐसा पूरे दिन ही आपके चलता ही रहता है, आया गया आया गया। हाँ है ये प्रक्रिया आपका। सुनो बेटा, एक मिनट में ये धड़कता है 72 बार। कितनी बार बेटा? 72 बार धड़कता है ना, और एक मिनट में एक बार में ब्लड बाहर फेंक देता है लगभग 70 ml। कितना बेटा? 70 ml। जितनी बार धड़कता है ना यार, उतनी बार ब्लड बाहर जाता है। तो अब तू सोच ले, एक मिनट में धड़कता है 72 बार,
तो एक मिनट में होते हैं एक घंटे में होते हैं 60 मिनट और एक दिन में होते हैं 24 घंटे। इनको गुणा कर ले उतनी बार ये धड़कता एक दिन में इतनी बार धड़कता है, कर कैलकुलेशन कितनी बार आएगा। और प्रत्येक बार में 70 ml रक्त को बाहर फेंक देता है, 70 ml को 72 × 60 × 24 तुम्हारे काम की चीज नहीं, मत पढ़ो इसको, घर पे जाके करना ये, ठीक है ना। अभी काम की चीज पढ़ लो। तो ये आपको डायग्राम समझ में आ गया, परिसंचरण वैसे मैंने कल ही बता दिया था, चित्र बनाना भी बता दिया ना बेटा, ये चित्र बनाना है सबसे पहले हृदय का, उसके बाद समझाने के लिए ये वाला चित्र जो मैंने बताया था कल बनाना, वो वाला चित्र बनाना है और लिखना इसी प्रकार से कि कैसे एंटर होता है और कैसे आपका ये आता है। क्लियर है? अब देखो इसमें होता क्या क्या है, पढ़ लेते हैं। देखो ये पॉइंट लिखने है, मानव हृदय पंप की तरह कार्य करता है। उदय तूने कहा ना पंप है, तो अरे ये पंप ही है। पंप जैसे पानी की जो पंप होता है वो क्या फेंकता है, पानी फेंकता है, ऊपर पानी चढ़ाता है, उसी प्रकार अपने ब्लड को कौन पंप करता है, आपका हृदय। मानव हृदय क्या बेटा, पंप की तरह होता है जो क्या करता है बेटा, सारे शरीर में रुधिर का क्या करता है, परिसंचरण करता है। ये बातें लिखनी है। फिर लिखना है आलिंद की अपेक्षा नीले की पेशी भित्ति मोटी होती है, क्योंकि ज्यादा दबाव कहां पड़ता है, बाहर निकालने के लिए नीले पर, नीले से बाहर जाता है कि नहीं जाता है, इसलिए आलिंद में तो कहता है आ, आ में क्या है, आ में तो बुलाता है आ जा, तो वो दबेगा तो बाहर पक जाएगा, वहां से कहे आ जा, हल्का सा पिचकेगा नीले में आ जाएगा, कहां जाएगा नीले में। अब नीले से लगाया जोरदार पंप, प्रेशर से जाना चाहिए, तो फिर प्रेशर से जाने के लिए नीले में ज्यादा दबाव बनता है, इसलिए इसकी पट्टी या सतह भी इसकी क्या होती है बेटा, ज्यादा मोटी होती है। और धमनियों की जो सतह होती है वो भी मोटी होती है, होती नहीं होती है, सिरा की तुलना में किसकी मोटी होती है, धमनी की। क्यों? क्योंकि ज्यादा प्रेशर किसको सहन करना पड़ता है, धमनियों को। किसको सहन करना पड़ता है, धमनियों को करना पड़ता है। चलो आगे बात करते हैं। नीले, क्योंकि नीले पूरे शरीर में रक्तचाप को क्या करता है बेटा, रुधिर भेजता है सभी को, नीले से ही तो निकलने के बाद रुधिर जाता है। अब आप कह रहे हो सर वो डायग्राम कैसे, ये बन जाएगा क्या प्रीतम, तू कह रहा था ना ऊपर से आ रहा था, यहाँ ये ऊपर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से किधर से घुसाएगा। इसलिए सरल भाषा में मैंने आपको बना के समझा के बताया बेटा कि आप ऐसा बना सकते हो, ठीक है। आप कैसा बना सकते हो, वापस रिपीट देखो, कुछ भी नहीं करना है, एक मिनट, ये ऐसे कर लो, नहीं काटेगा। अरे ये तो बनता ही नहीं लोगों से, तुम्हें तो इतना आइडिया से मैंने बता दिया, इतना तरीके से कि तुम्हारे नंबर का कोई मैटर नहीं रहेगा। इतना सा देखो, ये थोड़ा मार्कर का इश्यू है, बाकी आपका पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा। ये बन रहा है ना, इधर से आएगा और ये आपका इधर से रवाना हो जाएगा। ऐसा भी तुम्हें बन गया तो मजा आ गया काम का, ठीक है ना, टेंशन है एकदम क्लियर, ठीक है। इसी के ऊपर बनाया इसलिए थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन मैंने पहले आपको बना के बता दिया, बन जाएगा और याद रहेगा ना बेटा। एंटर कहां से होगा, महाधमनी से, महाधमनी से कहां जाएगा, दायालिंद में, दायालिंद से दायनले, दायनले से निकल के फुसफुस धमनी से निकलता हुआ कहां जाएगा, फुसफुस में, फुसफुस धमनी में, फुसफुस में जाके क्या करेगा सर, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा और ऑक्सीजन को ले लेगा। वहां से वापस आएगा किसके माध्यम से, फुसफुस सिरा के माध्यम से, फुसफुस सिरा के माध्यम से कहां आएगा, बाएं आलिंद में, कहां आएगा बेटा, बाएं आलिंद से, बाएं आलिंद से कहां चला जाएगा, बाएं नीले, और बाएं नीले से रवाना होके कहां चला जाएगा, महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में चला जाएगा, क्या लेने, ऑक्सीजन देने, और वापस आएगा तब क्या लेता आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेता आएगा, सिराओं के माध्यम से आएगा। बोलो बात समझ में आई क्या, अरे आगे क्या। चलो अब ये देखो थोड़ा सा और लिखा हुआ मैट्रिक्स को समझ लेते हैं। हृदय में उपस्थित वाल्व रुधिर की उल्टी दिशा को रोकते हैं। ये वाल्व इसलिए बनाए गए हैं कहीं उल्टा मामला नहीं चल जावे, क्योंकि दबाव बढ़ते ही हो सकता है आगे से दबाव बढ़ जावे पीछे वाल्व। आगे देखो अपन इधर से दबाएं, मोटर का
मोटर चालू कर देवे और वाल खुला नहीं हुआ तो पानी वापस आएगा, या तो नलकी फटेगी या पानी वापस आएगा, ऐसा ही होता है ना। तो अगर ऊपर भी अगर ऐसा सिस्टम हो जाए नीचे वाल नहीं रहे तो पानी नीचे आने लग जावे, तो जैसे आपके पानी भरते टंकी में बेटा ऊपर से पानी जाता है, नीचे से वाल खुला हो तो क्या टंकी भरेगी? क्या नहीं भरेगी ना। तो पानी कभी कभी उल्टा सिस्टम भी फेंकने लग जाता है, कहते ना इंजन उल्टा चल गया, बहुत सी बार उल्टा चल जाता है इंजन, मामला भारी हो जाता, फट जाता फिर इंजन। उसी प्रकार से अपने इंजन में भी पानी अगर या ब्लड उल्टा आने लग जाए ना तो साफ खराब सब एक हो जावे। इसलिए बेटा ये वाल्व होते हैं ताकि ये जाने के बाद वापस देखो इधर से आ रहा है ना, आता है तब तो दरख्त आपका दबाव बनाता है तो ये खुल जाता है, लेकिन वापस इधर आने नहीं देता है ब्लड को, वाल्व बंद हो जाता है। तो इस प्रकार के वाल्व होते हैं, ठीक है, और वापस उसको ब्लड को नहीं आने देते हैं, ठीक है ना। तो अब ये लसिका क्या होती है, लसिका के लिए क्या कहेगा, देखो एक तरल उत्तक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है, ठीक है। लसिका वहन में क्या करती बेटा, सहायता करती है, समझ गए लसिका क्या है। अब लसिका बनती किसके में बता देता हूं थोड़ा सा आपको, आपके ब्लड के जो प्लाज्मा भाग है बेटा वो प्लाज्मा में क्या है, पीले कलर का पदार्थ है, वो प्लाज्मा कभी कभी आपकी रुधिर जो वाहिका है जिसका नाम धमनी शिरा है इनसे छन छन के बाहरी ब्लड से थोड़ा बाहर आ जाता है, नलियों से बाहर आ जाता है और आपके बाहरी जो मांस है उसके अंदर स्टोर हो जाता है। पता है वो किसका वहन करता है, आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे और छोटे छोटे कण होते हैं ब्लड के अलावा जो बाहर की तरफ जैसे हार्मोन्स हो जाते हैं क्या कोई भी मैटर जो होता है बेटा, तो वो उनको बेटा क्या करते हैं, परिवहन का काम कौन करती है, लसिका। क्योंकि ब्लड तो किसको करता है, पोषक पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ हार्मोन्स या अपन कह सकते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी और भी चीजें करता है लेकिन ब्लड के अंदर जाने के बाद ही करेगा। कोई चीजें ब्लड के अंदर नहीं जाती, बाहर रहती तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, उसको कौन परिवहन करेगा, उसका परिवहन कौन करेगी, लसिका। कौन करेगी, लसिका करेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो लसिका प्लाज्मा का भाग है बेटा, प्लाज्मा का छन्ना हुआ पीला भाग है जो कि ब्लड से ब्लड की नलियों से छन के बाहर आ जाता है और बाहरी परिसंचरण में या बाहरी सेवन पदार्थों में काम में आता है। समझ में आ गया बेटा, अरे समझ में आ गया क्या। चलो अब मैं इसको सारे मैटर को एक साथ बताना चाह रहा हूं, ठीक है, कि आपको मेन मेन क्या बात लिखनी है अगर आपके ये आ जाए तो, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप इस डायग्राम का तरीका बता रहा हूं लिखने का, सबसे पहले तो आप लिखोगे हेडिंग, क्या लिखोगे बेटा, परिवहन तंत्र, क्या लिखेंगे बेटा अपन, मानव सेवन तंत्र या परिवहन तंत्र लिखेंगे। फिर लिखना बेटा इसके प्रमुख तीन भाग होते हैं, क्या लिखोगे, इसके प्रमुख तीन भाग होते हैं, पहला लिखना हृदय, क्या लिखोगे, पहला हृदय, ठीक है, इसके प्रमुख तीन भाग होते हैं ऐसे लिखना और फिर लिखना हृदय, क्या लिखोगे बेटा, हृदय। अब पहले हृदय के बारे में लिखेंगे अपन, किसके बारे में लिखेंगे, हृदय में। तो पहले में आप पहले तो हृदय का वो अभी बनाया ना वो वाला चित्र बनाओगे, कौन सा वाला, समझ गए ना, अरे समझ गए क्या, ये वाला चित्र बना दोगे और इसके नाम लिख दोगे मां धमनी मां शिरा दाया अलिंद बाया अलिंद, इस प्रकार से लिख दोगे, ठीक है। फिर ये करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले हृदय के बारे में लिखना है, हृदय के बारे में क्या क्या लाइनें लिखनी है तो मैं बता देता हूं। मानव का हृदय बंद मुट्ठी के समान होता है, पहली लाइन क्या लिखोगे, मानव का हृदय बंद मुट्ठी के समान। देखो ये आपके इसमें नहीं लिखी हुई लेकिन आपको लिखना है ताकि आपको और अच्छे नंबर मिल जाए। मानव का हृदय कैसा होता है, बंद मुट्ठी के समान होता है। ये मानव शरीर में किधर पाया जाता है, बाईं तरफ पाया जाता है, किधर पाया जाता है, ऐसे नोट्स में जैसे लाइनें बनाते ना ऐसे स्टार बना के, मानव का हृदय बंद मुट्ठी के समान होता है। फिर क्या बनाओगे, अगली लाइन क्या लिखोगे, मानव का हृदय बंद मुट्ठी के समान बाईं तरफ पाया जाता है। तीसरी लाइन क्या लिखोगे, मानव हृदय का वजन, मानव हृदय का वजन कितना होता है, ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है 250 से 350 कभी कभी 400 तक हो जाता है ग्राम, कितना होता है बेटा, मानव हृदय का वजन 250 से 350 ग्राम होता है, ये मेन मेन बात बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। फिर आगे क्या लिखोगे, मानव हृदय के प्रमुख चार भाग होते हैं या चार कोष्ठ होते हैं और चार कोष्ठ में फिर लिखना ब्रैकेट बना के लिखना दो आलिंद दो नीले, लिख लेंगे बेटा। चलो फिर लिखना मानव हृदय एक मिनट में 72 बार धड़कता है, कितनी बार धड़कता है, हाँ इतने में तो जांचने वाला मजा आ जाएगा उसको और आपके नंबर, क्योंकि आपकी किताब में नहीं लिखी हुई बातें और ये हृदय के बारे में इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रह जाएगी। क्या 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 याद रहा, एक बार बोलना। सबसे पहले हेडिंग डालोगे हृदय,
तीन भाग है हृदय, तो हृदय के बारे में लिख देंगे, चित्र बना दिया हृदय का, हृदय के बारे में लिख दिया। हृदय के बारे में क्या लिखनी है, 10 लाइनें लिखनी है। मैं लिखा दूं क्या तुम्हें? चलो लिखो, रट्टी जाना इनको। हाँ नहीं, 10 लाइन, 10 पांच सात जितनी भी मैं बता रहा हूं लिखो तुम, तो ये रट जाना। सबसे पहले लिखो बेटा, जहां आपने रफ में चित्र बनाया ना, चित्र नहीं बनाया, रब कॉपी तो लाया ना, रब कॉपी नहीं लाया क्या? हाँ तो इसी में लिखो, ठीक है, लिखवाऊं बेटा। पहली लाइन लिखो, मानव हृदय शरीर में, मानव हृदय शरीर में बाईं ओर पाया जाता है, मानव हृदय शरीर में बाईं ओर पाया जाता है, लिख लिया। ऐसे नोट्स में स्टार बना के लिखते ना, ऐसे स्टार, एक लाइन लिख दी, दूसरा स्टार बनाओ, दूसरा स्टार बनाओ, बना लिया, लिखो। मानव हृदय बंद मुट्ठी के समान होता है, दूसरी लाइन लिखो, मानव हृदय बंद मुट्ठी के समान होता है। लिख लिया, पहला, तीसरी, तीसरी लाइन लिखाऊं? अरे लिखाऊं क्या, आगे लिखो, आकार लिख लिया, आकार लिखा ना, बंद मुट्ठी के समान होता है, ठीक है, आगे लिखो। इसके चार भाग होते हैं, इसके चार भाग होते हैं क्रिस, चार भाग, हाँ ये चार भागों में, चार भाग होते हैं इसके अंदर, हैं? चार अक्ष नहीं, हाँ चार कक्ष लिख सकते हो, कोष्टक लिख सकते हो, इसके चार कक्ष होते हैं, चार कोष्टक होते हैं, चार भाग होते हैं, ठीक है, चार कक्ष होते हैं, लिख दिया। और ब्रैकेट में लिखो, दो आलिंद, ब्रैकेट बनाओ, दो आलिंद दो नीले, ठीक है, तीसरी लाइन हो गई। चौथी लाइन लिखो इसी के अंदर, दो नीले, लिख लिए बेटा, चौथी लाइन लिखे, इसका वजन, इसका वजन, इसका वजन, क्रिस तेरे क्या हुआ बेटा, पेन नहीं है, पेन देना, फिर है ना एग्जाम में पसीने छूट जाएंगे, लिखना सीखो थोड़ा, हाँ इसका वजन लिखो 250 किलो, मत लिख देना, ग्राम लिखना, ग्राम, जीएम, 250 से 350 ग्राम होता है, 250 से, देश है, देश, देश का मतलब होता है से, 250 से 350 ग्राम होता है, लिख लिया बेटा। आगे लिखो, अगला स्टार बना के लिखो, यह एक मिनट में 72 बार धड़कता है, यह एक मिनट में 72 बार धड़कता है, लिख लिया। लिखो, इसे मानव शरीर का पंप भी कहा जाता है, कहते नहीं कहते, हाँ तो लिखो, इसकी मेन मेन बातें लिखनी पड़ेगी अपनी, इसे मानव शरीर का पंप भी कहा जाता है, लिख लिया। पंप मतलब मोटर एक तरह से, इसे मानव शरीर का पंप भी कहा जाता है, लिख लिया क्या बेटा? चलो आगे लिखें, आगे क्या लिखना है देखो, तो ये बेटा आपके हार्ट के बारे में मेन मेन बातें हो गई। अब आपको लिखना है बेटा परिसंचरण, हेडिंग डालो परिसंचरण, ये जब आपके आएगा सवाल तो कैसे करो है? हाँ तो छह कॉपी है, अब परिसंचरण भी लिखना है,
अभी ये तो एक छोटा सा चीज लिखा है, मैटर लिखवा है, लिखो परिसंचरण। अब इस परिसंचरण में आप वो चित्र बनाओगे, कौन सा? कल वाला। परिसंचरण मतलब घूमता कैसे, घूमता कैसे, वो वाला अभी बनाना नहीं है, समझ गए मेरी बात? ये जगह खाली छोड़ देनी है। और परिसंचरण में आप कौन सा चित्र बनाओगे बेटा? वही बनाएंगे ना बेटा। अभी फिर टाइम हो रहा है बेटा, अभी और चीजें पढ़नी है अपने को, है ना, इसको कंप्लीट भी तो करना है, चित्र बनाने में टाइम लगेगा, जगह छोड़ दो आप, ठीक है। मैं तो इधर देखो, आपको चित्र नहीं बनाना है, इधर देख लो, ये एंट्री हो गया, यहां से निकलेगा आपका, और क्या आ जाएगा यहां पर? आपके फुसफुस। क्या आ जाएंगे आपके नीचे? यहां पर फुसफुस आ जाएंगे। ऐसा बना लेंगे सभी, यहां से वापस कहां चला जाएगा? इधर, और यहां से आपकी महाधमनी हो जाएगी। इनके सबके नाम लिखना, ये बेटा महाशिरा, दायां अलिंद, बायां अलिंद, ये फुसफुसीय धमनी, ये आपके फुसफुस, फिर ये फुसफुसीय सिरा, बायां अलिंद, बायां नीले और महाधमनी, ऐसे आपको सारे नाम लिखने हैं। फिर ये कैसे घूमा, कैसे आया, ये आपको लाइनें लिखनी है, बता रखा ना मैंने, वो एक एक लाइनें। पहले हेडिंग डालेंगे महाशिरा, तो लिखोगे महाशिरा हेडिंग डालना, फिर लिखना है कि सारा अशुद्र या अनऑक्सीकृत या कह सकते कार्बन डाइऑक्साइड गुलित रक्त महाशिरा के माध्यम से दाएं अलिंद में आता है, उसके पश्चात दाएं नीले में चला जाता है, उसके पश्चात फुसफुसीय धमनी के माध्यम से फुसफुस में जाता है। ये पूरा लिखना है आपको, फुसफुसीय धमनी के माध्यम से फुसफुस में चला जाता है, वहां वहां क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है और ऑक्सीजन ले लेता है, फिर वही ऑक्सीजनित रक्त फुसफुसीय सिरा के माध्यम से बाएं अलिंद में आता है, बाएं अलिंद से बाएं नीले में जाता है, और बाएं नीले से महाधमनी से होता हुआ, कहां से बेटा, महाधमनी से होता हुआ वापस शरीर में चला जाता है। ये तुम्हारा परिसंचरण संचरण है, आर्ट के बारे में लिख दिया, परिसंचरण के बारे में लिख दिया, ठीक है। ये तुम्हारा है बेटा कौन सा, पूरा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। समझ में आया क्या? अरे सर्कुलेशन समझ में आ गया, मेन बातें जो आपके इसमें नहीं है वो मैंने आपको लिखवा दिया, हार्ट के बारे में, घूमता कैसे ये मैंने बता दिया, काम क्या है बेटा हार्ट का ये मैंने बता दिया। अब अपन लिखेंगे रक्त, क्या लिखेंगे? रक्त, हेडिंग डालो रक्त, इसी के अंदर, हाँ इसी के अंदर लिखना पड़ेगा अपने को, लिखो रक्त। ये बाया, हाँ ये दाया है, ये दाया है, ये बाया है। आप चित्र बनाओ तब ध्यान रखना, इधर जिधर से शुरुआत करो ना वो आपका जस्ट उल्टा मानना, ये आपका दाया रहेगा, ये आपका बाया रहेगा, जिधर आप लिखना स्टार्ट करो वो दाया रहेगा, वो बाया रहेगा, जबकि आपको लग रहा होगा दाया ये, लेकिन आपके सामने है ना, इसलिए सामने वाले का, अब आप आमने सामने बैठोगे आपके दाया बाया चेंज हो जाएगा, आपका जो दाया होगा वो सामने वाले का बाया होगा, इसलिए कॉपी सामने है तो ये चेंज हो जाएगा। अब आप लिखो रक्त, डाल दी बेटा रक्त। अगला जो अपने तीन पार्ट लिखे थे ना, ठीक है, या पहले वाई का ही लिख दो, रक्त की जगह चलो वाई का ही बाद में ले लेना, रक्त लिखो, लिखो रक्त के कितने पार्ट होते हैं? दो, प्लाज्मा और कणिकाएं, लिखो इसके दो प्रमुख भाग होते हैं, इसके दो प्रमुख भाग होते हैं, वापस मैं जैसे बता रहा हूं वैसे लिखते जाओ, ताकि आपको एग्जाम में कैसे लिखना वो बता रहा हूं मैं। रक्त इसके दो प्रमुख भाग होते हैं, लिख दिया, तो पहला लिखो प्लाज्मा, एक नंबर एक डालो प्लाज्मा, ठीक है प्लाज्मा लिख दिया। अब प्लाज्मा के बारे में आप क्या जानते हो, वो तीन लाइनें छोड़ दो, घर पे लिख के बताना मेरे को, तीन लाइनें छोड़ दो यहाँ पे, वो आपको बता दिया अपन ने कैसा होता है क्या होता है, वो सारी लिखनी है और आपको ये घर से मेरे को लिख के सेंड करनी है। आगे तीन लाइन के बाद लिखो, फिर लिखो रक्त, ये कणिकाएं, क्या लिखेंगे बेटा? कणिकाएं, लिख दिया ना, वापस लिख देना, ठीक है कणिकाएं लिख दी। अब मुझे बताओ कणिकाएं, पहली कणिका कौन सी? आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी, तीसरी, ये तीनों के बारे में लिख के इसे डालना है, मेरे को डालना है आपको, ऐसे पूरा मैटर वापस इसका पूरा, जैसे एग्जाम में लिख रहा है ना, जैसे तुम्हारे को लिखना है वे बता रहा हूं मैटर, और वही आज वापस आप लिख के मेरे को डालोगे, चित्र बना के भी डालोगे, जैसा अभी बता रहा हूं वैसा का वैसा बना के डालोगे। मान लिया तुम्हारे एग्जाम में आ गया रक्त परिसंचरण तंत्र को विस्तार से समझाइए, तो आप कैसे लिखोगे वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो रक्त के बारे में लिख देंगे प्लाज्मा कणिकाएं, और तीसरा पार्ट रह रहा है अपना वाहिकाएं, क्या लिखेंगे अपन?
अभी लिखना नहीं, सुन लो। वाहिकाएं, वाहिकाएं कितने प्रकार की? दो प्रकार की। हेडिंग डालेंगे धमनी, तो लिख देना आपको धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, अपवाद फुसफुसी धमनियों में अशुद्ध बहता है। फिर लिखना सिरा, सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, अपवाद फुसफुसी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। ये तुम्हारा पूरा मैटर है। जब अगर तुम्हारे ये सवाल आ जाए परिसंचरण का, तो आप इसको इस तरीके से लिख के भेजोगे, इसी प्रकार से इसका जवाब दोगे। बोलो समझ में आया क्या? पूरा मैटर समझ में आया? पक्का समझ में आ गया? कंप्लीट? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है ना? एक के ये लिख के कल वाला कोई नहीं भेजेगा, आज पेंसिल से दोनों स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बताया है वैसे ही चित्र बनाना है, वैसे ही पूरा लिख के भेजना है। कहीं से देखना भी नहीं है, ना नोट से देखेंगे ना किताब से देखेंगे, सब कुछ तुम्हें याद करवा दिया है, करवाया ना याद, पूरा लिख के आप मेरे को भेजोगे। क्लियर है? हाँ, होमवर्क यही है तुम्हारा आज, ठीक है? कोई मांगेगा नहीं कि सर होमवर्क डालो, ठीक है? क्लियर है बेटा? अरे क्लियर है क्या? ठीक है बेटा, क्लियर। सर हमारे सबसे ज्यादा इसकी आती है, सबसे ज्यादा ये करता है।